सो हे गाइस, वेलकम बैक अनदर गेम प्ले वीडियो इन पोकेमॉन यूनाइट। आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं टार्डिनेटर साहब के साथ, एंड इसी के साथ साथ हम लोग रैंक पुश भी कर रहे हैं, तो भाई बहुत ही मज़ा आने वाला है। डेलफॉक्स तो मैंने बहुत खेल लिया, अभी डेलफॉक्स का और भी गेम प्ले आने रह गए, बट इसी के साथ साथ हम लोग टार्डिनेटर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा है। अभी जो हमारा मेन पोकेमॉन चल रहा है वो है टार्डिनेटर एंड डेलफॉक्स, तो गाइस इसका बिल्ड एंड सब कुछ बताएंगे। तो पहले हम लोग जंगल कर लेते फटाफट जाके, एंड आई थिंक मुझे जंगल करने देते बिकॉज भाई सोलो खेल रहा हूँ ना, तो जंगल करना ओप्स सीजर भी आ चुका है भाई। प्लीज़ यार लास्ट हिट, ओके नाइस मिल गया मुझे, लेवल 3 हो गया मैं। ओके अभी रेड बफ और ब्लू बफ लेने का ट्राई मारूंगा, पता नहीं इससे ले पाऊंगा या नहीं, बट ट्राई तो करना पड़ेगा यार। बस शायद यार जाना यार लेन में, तो कुछ कर सकता है लेवल 5 के बाद, बट तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा ना। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा, आपका टीम में टर्नेटर है तो ज़्यादा कुछ स्पीड स्टार वगैरह नहीं है ना, तो आप टर्नेटर को भाई सेंटर दे दिया करो, बिकॉज उसको बफ मिलेगा, वो जितना जल्दी आपको लेवल 9 करके देगा ना, उतना जल्दी आपका बहुत सारा हेल्प कर पाएगा, नहीं तो भाई यार ख़त्म सीन है। टर्नेटर एक बहुत बढ़िया ओपी पोकेमॉन है, सच्ची बता रहा हूँ भाई। मैंने 2-3 मैचेस खेले एंड जितना परफॉर्मेंस मिला है, हमारा जो मेरा जो टर्नेटर है उसका जो विन रेट है बहुत हद तक सही है, बहुत हद तक गाइज। तो गाइज अभी मैं यहाँ पे टॉप लेन में तो आ चुका हूँ, बट मैं टॉप लेन में 9 पे जो एक एपम आता है वो ले लिया। यहाँ पे गैंगर को मारने का फुल ट्राई करूँगा, यहाँ पे बल्बसौर मुझे दिखा एंड बल्बसौर को भाई ख़त्म कर दिया। यहाँ पे गैंगर भाई फुल स्पीड में जो भागता है ना, यह फिर से वापस आता है, जो इसका बहुत बड़ी गलती होती है। एंड एस्पियन जैसे ही 4 लेवल होता है इसको आसानी से फिनिश अप कर देता है, एंड मैं यहाँ पे अटैक वेट भी खेल रहा था, दैट्स व्हाई मेरा स्टैक करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैं यहाँ पे 2 स्टैक आराम से कर लेता हूँ। एंड इस टाइम बल्बसर आ जाता है, जैसे बल्बसर आता है भाई मैं तो भाई पीछे निकल लेता हूँ, क्योंकि भाई मुझे फालतू में पेटना नहीं था। और मैंने सोचा था थोड़ा सा स्टैक और करूँगा, बट मैं देखता हूँ भाई मेरा 0.5 HP एंड जंगल भी आ चुका है, दैट्स व्हाई मैं जंगल फटाफट करने चला जाता हूँ। जब तक मैं जंगल करता हूँ आप लोगों को मैं बिल्ड बता देता हूँ, बट गाइस बिल्ड बताने से पहले आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, एंड इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना, बिकॉज पता है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो डेली 9 बजे अपना वीडियो भी आ जाता है। तो गाइस अभी बिल्ड की बात करते हैं, बिल्ड में यूज़ कर रहा हूँ अटैक वेट मसल बैंड एंड इसके साथ साथ रिजर्व क्लॉ, एंड इसके साथ जो मैं एम्बलम यूज़ कर रहा हूँ वो मैं हर टाइप के ऑलराउंडर्स एंड अटैकर्स के ऊपर यूज़ करता हूँ, वही मैं एम्बलम्स यूज़ कर रहा हूँ, 6 ब्राउन एंड 4 व्हाइट। तो गाइस अभी मैं 23 का गोल तो है मेरे पास, बट मैं ट्राई करूँगा इसको मार के मैं गोल कर पाऊँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्राई तो कर रहा हूँ, बट भाई इसका तो HP जाता ही नहीं। एंड भाई 1 शॉट लगभग कर दिया भाई डार्क पल्स से, एंड मैं बताना भूल गया आप लोगों को मैं इसमें खेलने वाला हूँ डार्क पल्स एंड इसके साथ साथ सैंडस्टॉर्म, ठीक है। तो अभी मेरा 9 लेवल हो चुका है भाई, अभी 7 मिनट ही रह गए, बस 3 मिनट में मैंने 9 लेवल कर दिया। तो अभी ये फ़ायदा होता है आपका जंगल करने का, आपका पहला 3 मिनट तो बहुत ज़्यादा वेस्ट जाता है, बट इसके बाद बहुत अच्छा खासा एक गेम प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाता है। एंड वॉइस ओवर में थोड़ा सा सुधार करने की मैं ट्राई मार रहा हूँ, पता नहीं कितना सुधार कर पाऊँगा, एंड मैं सोचता हूँ यहाँ पे पुश करूँगा तो, बिकॉज भाई मेरे पास यूनाइट पे, एंड इसके साथ साथ भाई कोई रेजिलिंग को रोकने नहीं आता, यह बहुत ज़्यादा सही सीन हो जाता है। यहाँ पे स्पियन भाई 1 शॉट कर देता है लगभग, एंड मैंने भी थोड़ा सा डैमेज वगैरह दे दिया, एंड 5 स्टैक ऑलमोस्ट हो चुके हैं गाइस। किसी को भी आप लोगों को याद नहीं रहता आपको कितना स्टैक हुआ कितना नहीं, तो आप लोग देख सकते हो यार यहाँ पे नीचे अटैक वेट का एक साइन आता है, तो इस पर आप जब फॉलो कर सकते हो। एंड गाइस सैंडर का मैं मेकानिज्म भी आप लोगों को बताऊंगा थोड़ी देर में, या देख सकते हो मैंने यहाँ पे सैंडस्टॉर्म मारा, देन उसके बाद डार्क पल्स, और इसके साथ साथ ये बंदा ख़त्म होता है, फिर से एक डार्क पल्स एंड डिसाइड होने के लिए लिया, बट कोई बात नहीं, यहाँ फिर से मैंने अवॉइड किया गैंगर को एंड डरपल्स मारने का फुल ट्राई किया, बट अभी तक डरपल्स नहीं मार पाया, या फिर से डरपल्स मारूंगा एंड इसके साथ साथ यहाँ पे गैंगर भी खत्म हो गया। यस बैकग्राउंड से कोई भी नॉइस आ रहा है तो सॉरी माफ कर देना, बट यहाँ पे गोल करने का मैंने ट्राई किया एंड इसके साथ साथ सिंडर्स आके मुझे फिनिश ऑफ कर दिया। जैसे मैं वहाँ पर फिनिश ऑफ होता हूँ यहाँ पे मैं फिर से मर के वापस आ जाता हूँ, एंड वापस आने के बाद भाई मैं बल्बसौर पे चढ़ जाता हूँ, बल्बसौर यूनाइट तो देता है बट इसका कोई ज़्यादा खास कुछ फ़ायदा नहीं होता। एंड इसके साथ साथ गैंगर जो है अपना गैंगर को फिनिश ऑफ कर दिया, एंड इसके साथ साथ फिर से मैं सैंडस्टॉर्म कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है यार डिसाइड होगा आराम से फिनिश ऑफ कर सकते हो, इस भी और बहुत ज़्यादा किल चुरा रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं यार, रैंक मैच में ना तो चलता रहता है ऐसा कुछ। और एक चीज़ गाइज मैं आप लोगों को बताना भूल गया, मैं यहाँ पे यूनाइट जो अल्ट्रा क्लास 1 पे आ चुका हूँ ऑलरेडी, एंड टर्नेटर के साथ खेल खेल के मैं इतना ज़्यादा कर लिया, एंड मेरा टर्नेटर का विन रेट लगभग 92 या
84 ऐसा कुछ है आई थिंक। मेरा 100 विन रेट था बट नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा कुछ गेम प्ले अच्छा नहीं गया, दो गेम प्ले, दैट्स वाई मेरा थोड़ा सा माइनस लग चुका है। बट कोई बात नहीं यार, चिल माइनस लग चुका है तो सही है। यहाँ पे सैंडस्टॉर्म का यूज़ करते हुए मैं गुस्सा, बट यार कुछ कर नहीं पाया मैं, यहाँ पे इजी फिनिश अप हो जाता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे आता हूँ वैसे ही इन लोगों पे चढ़ जाता हूँ, बिकॉज मुझे पता था यार इन लोगों पे चढ़ना पड़ जाएगा, नहीं तो गलत सीन हो जाएगा। और अपना जो टीम है वो ऑलरेडी रेजिली की ले चुकी है तो इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यार मैं डिसाइड हो पे फिर से चढ़ता हूँ भाई, डिसाइड हो को जितना जल्दी ख़त्म करोगे ना उतना आपको फ़ायदा होगा। और यहाँ पे फिर से मेरे पास यूनाइट तो था तो मैं यहाँ पे गैंगर पे घुसने का सोचता हूँ एंड गैंगर पे सैंडस्टॉर्म का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे डिसाइड वॉक किल लेके बहुत अच्छा खासा हेल्प कर देता है। यहाँ पे भाई सिंड्रेस बहुत अच्छा खासा मेरे को मारता है एंड मेरे को मारने के लिए सिर्फ वो बेसिक अटैक का ही नहीं, उसके साथ ही साथ वो यूनाइट भी यूज़ करने का फुल ट्राई करता है। एंड फिर से मैं डिसाइड वॉक रह लेता हूँ बिकॉज मुझे भाई अटैकर को टारगेट करना था। आप कभी भी ऑलराउंडर रहते हो तो आपको अटैकर को टारगेट करना चाहिए हमेशा हमेशा, जिससे कि आपका जो टीम का अटैकर है एंड डिफेंडर है वो सब सही सलामत रहे हमेशा के लिए। एंड यहाँ पे मैं फिर से नीचे अपने बॉटम में थोड़ा सा आ जाता हूँ एंड थोड़ा बहुत फार्म करता हूँ। एंड फार्म करते हुए मुझे सिंडर्स दिख जाता है, जैसे मुझे सिंडर्स दिखता है वैसे मैं उसको पकड़ लेता हूँ सैंडस्टॉर्म के साथ साथ। तो एक और बार मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, सैंडस्टॉर्म के साथ साथ आप जैसे आगे जाते हो आपको उसी के वक्त आपको डार्क पास चलाना होता है जिससे बंदों को थोड़ा सा स्टन मिले। एंड इसी के साथ साथ जब सैंडस्टॉर्म दोबारा चलाते हो थोड़ा सा एक कूल डाउन लगता है, दैट्स व्हाई दोबारा चलाते हो तो एक थोड़ा सा मिट्टी के जैसा कुछ आगे जाके पीछे आता है जिसके मदद से आप लोग किसी भी खुशी पोकेमॉन को आपकी तरफ खींच के ले आ सकते हो। एंड इसके साथ साथ मैं बीच में सेंटर फाइट में आ चुका था, जैसे मैं सेंटर फाइट में आ जाता हूँ सैंडस्टॉर्म का यूज़ करता हूँ। एंड इसके साथ साथ यूनाइट भी मैं चला देता हूँ बिकॉज मुझे पता था भाई मुझे जिंदा रहना है तो यूनाइट तो ज़रूर चलाना पड़ेगा। यहाँ पे बल्बसॉर को इजीली फिनिश अप करता हूँ। यहाँ पे मुझे सिंड्रेस से बहुत ज़्यादा डर लगता था बिकॉज गाइस सिंड्रेस मेरे को किलिंग कर रहा था हमेशा के लिए। एंड डिसाइड हुआ भाई ये सिंड्रेस से किल लेके जाता है। एंड इसके साथ साथ भाई ओपोनेंट जो डिसाइड हुआ था उसने मेरे को 1 HP देके यूनाइट ज़रूर से चलाया बिकॉज उसको भी पता था कहीं ना कहीं मैं जैसे जिंदा रहा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन जाता है। बट गाइस यहाँ पे जितने देर में मैं जिंदा वापस आता हूँ रिवाइव लेके उतने टाइम में भाई अपना जो टीममेट्स वगैरह थे ना वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस रिकोजा को बचा के रखते हैं एंड बचाते बचाते वो भी मर जाते हैं एंड वो लोग गोल सेव कर रहे थे। उतने टाइम पे मैं क्या कर रहा था, मैं अपना जो सेंटर था वो सेंटर पूरा डिफेंड कर रहा था बिकॉज मुझे यार सेंटर लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि मुझे हम लोगों को पता चल चुका था हम लोग बहुत ज़्यादा लीड में ऑलरेडी चल रहे थे तो दैट्स व्हाई भाई सेंटर लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़, आप लोग गैंगर लेके खेल रहे हो अपना टायंटर की अगेंस्ट पे तो आप लोगों को ना ड्रीम हीटर यूज़ नहीं करनी है, आप लोगों को हैक्स लेके खेलना है बिकॉज हैक्स इन सब पोकेमॉन को मेल्ट करने के लिए अच्छा है, नॉट ड्रीम हीटर। कोई भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन या कोई भी ज़्यादा एचपी वाले पोकेमॉन से आप लोग लड़ रहे हो तो हैक्स बहुत अच्छा है, ड्रीम हीटर नॉट गुड चॉइस गाइस। एंड इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं भाई 15 kills 11 assists एंड 89,000 मतलब लगभग 90,000 का डैमेज, इसके साथ साथ हम लोग और भी गेम प्लेस डालेंगे टाइटर का तो अभी के लिए तो भाई इतना ही। एंड 502 का स्कोर किया है मैंने। और इसके साथ साथ हम लोग रैंक भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, रैंक तो इस माइडी में अल्ट्रा क्लास 5 दिखाएगा बट अभी जो मेरा करंट रैंक चल रहा है वो है अल्ट्रा क्लास 1, जो भी लाइव स्ट्रीम देखते हैं उन लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। एंड और क्या, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बाद में, बाय बाय एंड पीस।